गुरु जी आपके जन्मदिन के पूर्व संध्या पे हमारे पवन बाबू आए, हम भी आ गए। हम सभी लोग ने अपनी अपनी थोड़ी बात कही, बाकी भावना में बहुत कुछ बात निकल गई है। पुरानी यादें हैं, आती हैं तो आती जाती हैं, लेकिन आप सब लोगों से प्रार्थना है, गुरु जी तो जा ही रहे हैं, आप लोग भी 22 जनवरी के बाद अयोध्या जरूर आइए भगवान राम का दर्शन करने। ये अद्भुत इतिहास बन रहा है। आप सबको सद्गुरुदेव भगवान की। सारे लोग दिल से बोलिए जय श्री राम। तो हम लोग चलते चलते एक बार गुरु जी की वो सारी बातों को याद करिए जो हमारे आपके साथ वो पल बीतते हैं ना। हम तो गुरु जी को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन जब गुरु जी आपको गले से लगा लेते हैं तब हमें विश्वास होता है। जो हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे पवन भैया, भैया बाप रे बाप, ये कौन गुना है दादा? छोट भाई के भी भैया कहल जला। अरे बाप, राम जी ने कई बार कहा लक्ष्मण भैया बोलो न। अरे भैया रोवेले रघुराई, ये इसने बहुत अच्छा एक भजन गाया गुरु जी, रोवेले रघुराई। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है, वैसे तो भोजपुरी जितने लोग गाते हैं सबका, पर हमारा बहुत कई हमारे दोस्त जैसे अभय सिन्हा जी, तो कहे पंकज तिवारी आयल बाड़े, वो बहुत विद्वान आदमी हमें गुरु जी। पंकज तिवारी कहाँ बड़े, पंकज कहाँ गए? और यहाँ रंजीत सिंह के देखा तनी हम गुरु जी, यो हमार बड़ा प्रिय भाई हव, ये दिल्ली के हव, वैसे तो बिहार के हो लेकिन बिहार के लोग बहुत दिल्ली वाला हो गए बटे। अच्छा ये बलिया के हों, वो बिहारे में आवेला। तो पंकज जी आ गए ना, आप मेरे तरफ से प्रणाम करिए गुरु जी को। गुरु जी ये बहुत गुणी व्यक्ति हैं और गाजीपुर के पास एक युवराजपुर गांव है वहाँ के रहने वाले हैं, और हमारे भी प्रिय, अभय जी के भी प्रिय हैं, और जो गुणी आता है उसकी तारीफ करते हैं, और इनकी संतों में बड़ी आस्था है। पंकज तिवारी के लिए भी ताली बजा दीजिए आप लोग एक बार। और ये गुरु जी, हम आपको अभय जी के बारे में ठीक से और भी बताएंगे। अभय जी को भोजपुरी सिनेमा का यश चोपड़ा कहा जाता है, और ये किसी भी चीज को कर सकते हैं। इनको कह दीजिए ये जो असंभव काम कोई नहीं कर रहा हो उसको अभय सिन्हा जी कर देंगे, इतना इनके पास रूठों को मनाने का। कोई कलाकार बहुत पैसा मांग रहा है, बिना पैसा के भी ले जा सकते हैं कुछ चार्ज नहीं। मेरे कहने का मतलब ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और वो हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े स्तंभ है, उनके लिए आप लोग ताली बजा दीजिएगा। गुरु आश्रम एक बार खड़ा होकर नमस्ते करा सबके, ये है अभय सिन्हा जी। अभी तक कितनी फिल्म बना चुके हैं? 150 बना चुके हैं गुरु जी ये फिल्म, और उसमें 20 तो मेरी होगी, और इसकी न जाने कितनी हो, कितनी 50 से ज्यादा कर चुके हैं। ना ना सब भैया शुरुआत किए हैं। और आप, मुझे इतना अच्छा लगा संगीत सोम भाई, मैं सुना कि अभय जी जा रहे हैं, मेरा मन खुश हो गया। और हम जब समाप्त करें आज का कार्यक्रम तो हमें उसी भाव में समाप्त करना चाहिए, सुर है ना। आप सबके साथ हम गाना चाहते हैं, हम याद करते हैं जो इस देश ही नहीं दुनिया में जहां भी सनातन सनातनी लोग हैं वो भी, और जो सनातनी नहीं थे सनातन को समझ गए हैं वो भी, एक ही बात कह रहे हैं कि मेरी झोपड़ी के भाग अब खुल जाएंगे, राम आएंगे।
मेरी घड़ी के भाग राज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, ना 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 आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, सारे दुनिया के भाग अब जाग जाएंगे, राम आएंगे, सारे दुनिया के भाग अब जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगे ना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंग ना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, राम 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 खाएंगे तो हाथों से खिलाएंगे, राम खाएंगे तो हाथों से खिलाएंगे, मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे, गुरु रूप में राम मेरे आएंगे, गुरु रूप में राम मेरे आएंगे, माता पिता रूप में भी राम आएंगे, माता पिता रूप में भी राम आएंगे, ये भूलना नहीं है, ये याद रखिएगा कि राम ईश्वर भी हैं, राम मानव भी हैं, राम सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम के जीवन से कुछ चुरा लीजिए और थोड़ी थोड़ी मर्यादा को और बढ़ा लीजिए, गुरु रूप में राम मेरे आएंगे, गुरु रूप में राम मेरे आएंगे, माता रूप में राम मेरे आएंगे, हो माता रूप में राम मेरे आएंगे, मेरे जन्मों के साथ सब जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के साथ सब जाग जाएंगे, राम आएंगे, ये जो शब्द है साध, ये अपनी श्रद्धा लगी होते भोजपुरी में हमने कह रहे साध के साध लागल बाटे, बहुत साल से साध लागल रहे कि राम जी आई है, राम जी के मंदिर बनी अयोध्या जी में, अब तो अयोध्या जी सीधे एयरपोर्ट बन गए और एयरपोर्ट के नाम रखाइल महर्षि वाल्मीकि अयोध्या धाम, वाल्मीकि जी ने राम को उतारा है, वाल्मीकि जी ने राम को उतारा है, तुलसीदास जी के लेखनी में सारा है, तुलसीदास जी के लेखनी में सारा, हम गुरु भक्तों के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे, हम गुरु भक्तों के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे, एक बार दोनों हाथ उठाइएगा, सबके हाथ उठने चाहिए, सबकी तालियां बजे और सब लोग मिलके गाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग
मेरी झोपड़ी के भाग सब जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हमारे गुरु जी की सदा जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।